बरेली में जगह जगह जश्न ए आज़ादी के मौके पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से किया गया। हमारे देश में 77वां स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया गया और देश के शहीदों को याद किया गया। फरीदापुर चौधरी, रहपुरा चौधरी, गोविंदपुरा, गोविंदापुर, घुनंसा, तिलियापुर, परधौली, अटा, लटूरी, बिबियापुर, इज्जत नगर और सीबीगंज क्षेत्र के सभी गांव के स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया और रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। रामचनेटी कैंट में सांसद आंवला धर्मेंद्र कश्यप ने स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्ला खान के जीवन पर रोशनी डाली और अशफाक उल्ला खान के बारे में बताया कि हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक गए, लेकिन अंग्रेजों को काकोरी कांड में रोशन सिंह का पता नहीं बताया। हमें ये आज़ादी सस्ते में नहीं मिली है, हमारे बुजुर्गों ने अपनी जान जोखिम में डालकर हमें आज़ादी दिलाई। सांसद आंवला धर्मेंद्र कश्यप ने सभी क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। जवानों ने तमाम हमारे उन देश के नागरिकों ने अपनी जान को गवा करके हमें आजादी दी, क्योंकि आपको याद होगा जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो 27 साल के नौजवान फांसी के फंदे पर झूल गए। आपको काकोरी कांड याद होगा, जब काकोरी कांड में अशफाक उल्ला खां को अंग्रेजों ने पकड़ लिया तो अशफाक उल्ला खां से कहा कि हम तुमको माफ कर देंगे, आप ठाको रोशन सिंह का पता बता दो। तो अशफाक उल्ला खां साहब ने कहा कि वो भी आज़ादी का दीवाना और मैं भी आज़ादी का दीवाना, एक भाई दूसरे भाई का पता नहीं बता सकता, और अशफाक उल्ला खां को फांसी दे दी गई। तो जिस तरह से आप देखेंगे आज पूरे देश में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये आज़ादी का पर्व मनाया जा रहा है, और आज़ादी हमें सस्ते में नहीं मिली थी। हमारे तमाम, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डाल करके इस तिरंगे की आन बान शान को बचाने का काम किया। मैं आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी गांववासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।